नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया और इस सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई युवा खिलाड़ियों को मौका देकर बीसीसीआई ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों आपको बताएंगे ये टी20 सीरीज की शुरुआत कब होगी और पहला मैच कितने बजे शुरू होगा और अब तक इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच क्या रहे आंकड़े, कौन किस पे है भारी, सभी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप भी चाहते कि इंडिया टीम वेस्ट इंडीज में टी20 सीरीज जीते तो इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, क्योंकि क्रिकेट की सभी जानकारियां चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज 5 T20 मैचों की होगी। इस श्रृंखला का आगाज 3 अगस्त को होगा। पहला टी20 मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा जो भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे शुरू होगा और दूसरा टी20 मैच 6 अगस्त को खेला जाएगा। तीसरा टी20 मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा। चौथा टी20 मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी टी20 मैच 13 अगस्त को खेला जाएगा। अब देखते हैं दोनों देशों के बीच कितने टी20 मैच खेले गए और कौन किस पे भारी है। तो चलिए जानते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 25 टी20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 17 मैचों में जीत हासिल की, वहीं वेस्ट इंडीज ने 7 मैचों में जीत हासिल की और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पल्ला भारत का मजबूत नजर आता हुआ दिख रहा है, मगर इंडिया टीम को होशियार होना होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने घर में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है, तो भारत वेस्ट इंडीज को हल्के में ना ले। तो इसलिए हार्दिक पांड्या कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते और वो अपनी प्लेइंग 11 में बहुत ही खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। इस श्रृंखला के लिए बीसीसीआई ने कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया और उप कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया है और कोच की भूमिका में राहुल द्रविड़ नजर आएंगे और इस टी20 सीरीज में संजू सैमसन की वापसी हुई है। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल समेत 5 खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं हार्दिक पांड्या ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन खिलाड़ियों को शामिल किया है। बात करें ओपनर बल्लेबाजों को तो पहला नाम आता है शुभमन गिल का। इन्होंने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया और आईपीएल में भी ऑरेंज कैप जीता था इन्होंने। शुभमन गिल ने आईपीएल के 17 मैचों में 157 की स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाए हैं, जिसमें से 4 अर्धशतक और 3 शतक ठोके हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 129 रन का था। वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को रोकना मुश्किल होगा। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज होंगे भारतीय टीम का उभरता सितारा यशस्वी जायसवाल। इन्होंने इस आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया, सभी को चौंका दिया क्योंकि इन्होंने आईपीएल में 14 मैचों में 625 रन बनाए हैं और आईपीएल के इतिहास में सबसे फास्ट 50 भी मारी है इन्होंने। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं इन्होंने कितने गेंदों में 50 रन मारे थे। वहीं अब बात करें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को तो पहला नाम आता संजू सैमसन का, ये खेलते हुए नजर आएंगे। इनको बहुत महीनों बाद टीम में शामिल किया गया मगर इस समय बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। संजू सैमसन चाहेंगे कि वो अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम में स्थान पक्का करें। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे में इन्होंने लय हासिल कर ली और शानदार 51 रनों की पारी खेली थी। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बीते 2 सालों में टी20 में इतने खतरनाक बल्लेबाजी की ये आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। जब ये क्रीज में जम जाते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज थरथर कांपने लगते और उनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं पांचवें बल्लेबाज होंगे तिलक वर्मा। इन्होंने इस साल सभी को अपनी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित किया, इनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। ये लास्ट के ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाते हैं। नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलेंगे। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया। इन्होंने तीनों ही मैचों में अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड जीता। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। बात कर रहे सातवें बल्लेबाज को तो कप्तान हार्दिक पांड्या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने गजब की कप्तानी की और सीरीज जीतने में कामयाब हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में इन्होंने गजब का प्रदर्शन किया, आखिरी वनडे में इन्होंने 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं नंबर 8 पर स्पिन के गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। इन्होंने ओडीआई सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया और बीच के ओवरों में काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं। नंबर 9 पर ऑलराउंडर बल्लेबाज अक्षर पटेल खेलेंगे। ये बल्ले और गेंद गजब का प्रदर्शन करते हैं और निचले क्रम में भारत को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। वहीं 10वें नंबर पर यॉर्कर के किंग कहे जाने वाले अर्शदीप खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में और डेथ ओवर में बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं और ये खूब विकेट लेते हैं। वहीं 11वें खिलाड़ी होंगे मुकेश कुमार, जिन्होंने वनडे सीरीज में गजब की गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं अपनी फास्ट गेंदों से। तो दोस्तों ये थी भारत की प्लेइंग 11 जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में खेलते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन है मगर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में सबसे अच्छी कप्तानी कौन करता है। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे वीडियो देखने के लिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।